अल्लाह हु अकबर अय मुसलमानों अय साहेबगंज अय बरहेड़ के मेरे भाइयों अतराफ अकनाफ से आई हुई मेरी माँ बहनों आज हम लोग एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जिस जमाने में ये इदारे चलाने के लिए ये मदरसे चलाने के लिए ये बना चलाने के लिए आपसे जकत मांगी जाती है आपसे सदका तो खैरात मांगा जाता है आपसे आखिरत की नजात के लिए अल्लाह रबालमीन के राह में इन्फाक फी सबी के लिए सवाल किया जाता है शुक्र पैदा करो अल्लाह ने इस जमाने में हमें पैदा किया जब ईसा सलाम जब ईसा सलाम दुनिया में रहेंगे अल्लाह इतनी दौलत देगा इतनी दौलत देगा सारे मुसलमान अपनी दौलत को लेकर जक़ात को लेकर दर दर भटकेंगे गली गली नगरी नगरी, नगरी डगरी डगरी घूमेंगे खसम मेरे अल्लाह की सारी दुनिया में इनका जकत लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा जकत देने लिए के लिए भिकारियों की तरह घूमेंगे लेकिन जकत लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा एक भी शख्स नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में हर आदमी को अल्लाह इतनी सरबत इतना माल इतनी दौलत से माला माल अल्लाह कर देगा उसके बाद अल्लाह तबारक ताला याजूज माजूज को दुनिया में लाएगा अल्लाह के नबी कहते आज वह दुनिया में एक दरख्त के एक दीवार के पीछे जिसे कहते हैं। खालू या जल इन्न या से उन्होंने कहा क्याने से हम ही बचा ले हमको बचा ले इसके फितने से हम तंग आ चुके हैं जुलखरन ने लोहे की तख्तियां बांधकर सीसा पिघलाकर एक दीवार बनाकर इसके पीछे अल्लाह ने इनको खेद कर दिया ये के, एक एक के, दो, दो के, तीन तीन, तीन के। इनका सरदार तीन फिट का होगा और ये सारे कबीले वाले दो दो के होंगे अल्लाह के नबी कहते हैं इनको चाटते हैं ये जिस चीज को चाटेंगे वो पिघलना शुरू होगी रोजाना सुबह से शाम तक चाटते हैं शाम में इतना सुराख तैयार कर लेते हैं नबी ने कहा लोगो, याजूज माजूज ने अपनी दीवार में इतना सुराख तैयार कर लिया अपनी शहादत की उंगली अपने अंगोठे की उंगली से मिलाकर नबी ने इशारा करके बताए याजूज माजूज ने इतना सुराख तैयार कर लिया लेकिन इंशाल्लाह भूल जाएंगे इंशाल्लाह नहीं कहेंगे दूसरे दिन आएंगे देखेंगे फिर दीवार मोटी फिर चाटेंगे ख़यामत के करीब इनके सरदार को इनके जहनों में याद दिलाएगा। इनका सरदार कहेगा कल इंशाल्लाह आकर हम इसे चाट कर बड़ा होल करके दुनिया में जाएंगे दूसरे दिन तक वो होल जैसे का वैसा रहेगा उसे दुनिया में पुदक पुदक के आएंगे सारी दुनिया में फैल जाएंगे क्या समझते हो आप लोग याजूज माजूज को क्या समझते हो आप लोग अल्लाह अकबर मेरे दीने और इस्लामी भाइयों याजू जो माजूद की मुकाबला दुनिया की कोई राकेट दुनिया का कोई बम दुनिया का कोई मिसाइल, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी इतने ताकतवर, इतने पावरफुल होंगे याजू जो माजूद कौन होंगे ये किस नस्ल से होंगे ये अल्लाह के नबी कहते कहते नूह आ सलाम के तीन बेटे हाम साम या याफिस या की औलाद में से ये याजू जो माजूज होगी याजू जो माजूज अल्लाहू अकबर मेरे दीनए और इस्लामी भाइयों अल्लाह के नबी कहते हैं जब याजू जो माजूद दुनिया में आएंगे بحيره तिब्रिया का झील का सारा पानी पी जाएंगे सारी दुनिया में फैल जाएंगे मुसलमान इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे ईसा सलाम मुसलमान पहाड़ों की वादियों में छुप जाएंगे और दुआ करने लगेंगे अल्लाह इनके फितने से बचा ले सारे चप्पे चप्पे में फैल गए सारे दुनिया वालों को हटा मिटा देंगे और खबर आएगी कि मशरक मगरब शिमाल जुनूब कोई नहीं अब यह छोटी कमान तीर लेकर आसमानों में चलाएंगे अल्लाह की खुदरत भी निराली इनके तीर आसमान में जाएंगे चंद लम्हे के लिए अल्लाह इनके तीरों को गायब कर देगा फिर इनके तीरें इनके खदमों में गिरेंगी उन तीरों के नोक पर खून लगा रहेगा ये याजू जो माजूद कहेंगे हमने जमीन वालों को तो मिटा दिया था अब हमने आसमान वालों को भी मिटा दिया जमीन और आसमान वाले मिट गए अब हुकूमत हमारी ईसा दुआ करेंगे, दुआ करेंगे जो के फितने से हमें बचा ले अल्लाह याजू जो माजूद के गर्दन में एक फोड़ा पैदा करेगा एक फोड़ा एक जख्म जो मोटा होगा फूट जाएगा जिसके गर्दन में वो जख्म फूटेगा वो वही मर जाएगा सारी जमीन सारी जमीन या जो जो के लाश से भर जाएगी ज़मीन का एक हिस्सा भी या जो जो के के लाश बिना के खाली नहीं रहेगा सारी जमीन इनके लाशों से भर जाएगी लोग देखेंगे कि भैया क्या अब इनकी लाशों की बदबू से लोगों का जीना महाल हो जाएगा अल्लाह अलैहिस्सलाम मोमिन दुआ करेंगे अय अल्लाह ताला इन इन याजू जो मौजूद के लाशों से इनकी बदबू से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह ताला उस वक्त जमीन पर ऐसे परिंदे लाएगा बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंट के गर्दनों जैसे बड़े बड़े पैर के पंजों में अपनी चोंचों में इन याजू जो माजूद के लाशों को लेकर जमीन के कौन से हिस्से में ले जाकर पटकेंगी अल्लाह के सिवा कोई इसके इल्म को नहीं जानता अब जमीन साफ कर दी जाएगी फिर मीना बरसेगा फिर से दौलत की अंबार होगी मेरे दीन और इस्लामी भाइयों उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जमीन पर जो फितना अब आएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक धुआं अल्लाह ताला आसमान से निकालेगा यौम याती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इंतजार करो उस दिन का يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها जब ये दुनिया चंद निशानियां लेकर आएंगी किसी का ईमान कोई फायदा नहीं देगा लम तकुन आमनत मिन कबल औ कसबत फी ईमानी हा उससे पहले जो कुछ के तुमने भलाई की थी वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों उन निशानियों को देखकर जो भी तुम खैर करना चाहो तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबाराक व तआला आसमान से एक धुआं नाज़िल करेगा एक धुआं आएगा जिसके बारे में सूरह दुखान की 10 और 11 आयत में अल्लाह कहता है फरतक़िब यौम तआतिस समाऊ बिदुखान मुबीन इंतजार कीजिए आसमान से उस धुआं का जो एक धुआं अल्लाह के अजाब अलीम को लेकर आएगा यक्षन्ना था हाजा अजाब अलीम लोगों पर गशी तारी करेगा अल्लाह की जानिब से दर्दनाक अजाब होगा सारे धुआं से जमीन भर जाएगी मुसलमानों को जुकाम होगा काफिरों के चेहरे मस कर दिए जाएंगे उसके बाद जमीन तीन जगह से धसा दी जाएगी खुसूफे सलासा जिसे कहते हैं एक मशरिक में जापान में एक मगरब में अमरीका में तीसरा जजीरतुल अरब में जजीरतुल अरब में अल्लाह के नबी कहते दरिया से सोने का पहाड़ अल्लाह निकालेगा उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे जो भी वहां आएगा मारा मारी करके लड़ाई झगड़ा करके कतल गारत गिरी से मर जाएगा एक भी शख्स सोना लेके नहीं जाएगा सौ आदमियों का काफिला आएगा नन्यानवे वही मर जाएंगे एक आदमी सोना लेके वापस जाएगा लेकिन वो भी दुनिया के फितनों का शिकार बन जाएगा उसके बाद अल्लाह तबार को ताला जमीन से एक जानवर निकालेगा जिसे दाबतुल अर्ज कहते हैं सुरे नमल की बयासी आयत में इसका जिक्र अल्लाह करता है अल्लाह कानू जब अल्लाह ताला अपने खौल के मुताबिक जमीन से जानवर निकालेगा वो लोगों जैसे बात करेगा वो कहेगा लोगो मैं अल्लाह की निशानियों में एक निशानी हूँ तुम यकीन नहीं करते थे ना ये देखो अल्लाह ने मुझे ला दिया अल्लाह अकबर इंसानों जैसे बोलने वाला दाबतुल दाबा कहते हैं जानवर अर्फ कहते हैं जमीन जमीन का जानवर अल्लाह निकालेगा मेरे दीन और इस्लामी भाइयों मुसलमानों को काफिरों को अलग करेगा उसके बाद अल्लाह के नबी कहते मगरिब से सूरज तुलू होगा मगरिब से सूरज तुलू होगा आज रोजाना मशरिक से सूरज निकलकर मगरिब में जाता है किधर है जी मगरिब मगरिब किधर है इधर है आज रोजाना मशरिक से सूरज निकलकर मगरिब में डूबता है अल्लाह के नबी ने सवाल किया मेरे उम्मतियों क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज जो मशरूक से निकलकर मगरब में डूबता है यह कहा जाता है अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होता है अल्लाह से इजाजत तलब करता है मेरे मौला तेरा क्या हुक्म है अल्लाह तेरा क्या हुक्म है अल्लाह कहता है मशरक से निकलना मगरब में डूबना फिर वह डूबता है फिर सजदा रेज होता है अल्लाह से इजाजत मांगता है यहाँ तक के अल्लाह उसे इजाजत देता रहता है देता रहता है देता रहता है एक दिन आएगा जब अल्लाह से इजाजत तलब करेगा मेरा मालिकुल मुल्क कहेगा ऐ सूरज अब तक जहां से तू निकल कर जहां डूबा करता था जहां डूबा करता था वहां से निकलना जहां से निकला करता था वहां पर डूबना मतलब मशरक से निकलकर मगरब में डूबता था ना आज मगरब से निकलकर मशरक में डूबना दुनिया का निजाम बदल जाएगा अल्लाह अकबर दुनिया का निजाम बदल जाएगा सूरज मगरिब से निकलेगा अल्लाह के नबी कहते हैं छह निशानियां दुनिया में रूनुमा होने से पहले नेकियां करने में जल्दी कर लो ज जल्दी कर लो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल कबूल नहीं करेगा वो कौन कौन सी है खासकर इंसान को तोबा तोबा दो वक्त आने से पहले कर लेना चाहिए वो एक वक्त इंसान के हल्ला के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी कहते इंसान के हल्ला के आखिरी गरगरे शुरू होने से पहले तक अल्लाह ताला उसकी तोबा कबूल करता है जब उसके आखिरी गरगरारे शुरू होते हैं अल्लाह उसकी तोबा कबूल नहीं करता मतलब सकरात लगने से पहले तुम्हारी सकरात की हालत आने से पहले तुम्हारी तोबा सुनी जाएगी सकरात आने के बाद तोबा नहीं सुने जाएगी मेरे भाइयों, सूरज जब मगरिब से निकलेगा लोग ये देखकर हैरान होंगे आज सूरज मगरिब से कैसे लोगों को यकीन होगा खयामत आ गई लोग सजदा रेस होंगे लोग ईमान लाना शुरू करेंगे लोग तोबा करना शुरू करेंगे क्या होगा अल्लाह के नबी कहते हैं हा हा तोबा। ना किसी की तोबा सुनी जाएगी न किसी का ईमान किया जाएगा सूरत मगरिब से निकलने से पहले तोबा कर लो अल्लाह कहते हैं, इधर सूरज मगरिब से उठाया जाएगा उधर आसमान में तोबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे उसके बाद मुल्क यमन से एक आग निकाली जाएगी मुल्क यमन से एक आग निकाली जाएगी ये आग

क़यामत की हवलना की और जहन्नम के अजाब के बारे में मैं कल बयान करूंगा अल्लाह से दुआ है अलामीन खयामत आने से पहले हमको सच्ची तोबा करने की अता फरमा अल्लाह हमको अपने नेक